कल भी वीडियो के माध्यम से आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो दिखाया गया और सभी तारीखें बताई गईं कि पोर्टल कब से खुलेगा और कैसे आपको इस ऑफिशियल नोटिस को देखना है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से कमेंट किया गया कि यह फर्जी विज्ञप्ति है, ऐसी कोई भी विज्ञप्ति नहीं जारी हुई है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट और साथ में जो समाचार पत्रों में, विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी हुई है वो भी हम देखेंगे। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में आपको यह विज्ञप्ति देखने को मिलेगी जो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के माध्यम से जारी की गई है और इस विज्ञप्ति में स्पष्ट तौर पर उन सभी विषयों के नाम हैं जिनसे संबंधित पोर्टल खोला जा रहा है। आप यहां पर देखेंगे महिला शाखा के प्रवक्ता पद हेतु अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, उर्दू, गृह विज्ञान, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, गणित, भूगोल के विषय हैं तथा सहायक अध्यापक हिंदी एवं समाज के सामाजिक विज्ञान के अलावा औपबंधिक के पश्चात अंतिम रूप से चयन हेतु ये विषयों हैं जैसे कि कृषि, कला, जीव विज्ञान, वाणिज्य, अंग्रेजी, गणित, शारीरिक शिक्षा और संस्कृत विज्ञान, उर्दू, गृह विज्ञान, संगीत विषय के। यहाँ पर अभ्यर्थियों का पद स्थापन का जो आदेश है वो निर्गत किया गया है। पहले भी बताया गया था कि सामाजिक विज्ञान, हिंदी के साथ अन्य विषयों का यहाँ पर पद स्थापन का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो विभाग की NIC की ऑफिशियल वेबसाइट है www. आप यहाँ पर देखेंगे सेकेंडरी एजुकेशन ऑनलाइन पोस्टिंग .up.gov.in ये जो आपकी वेबसाइट है इस पर जो प्रक्रिया है वो चलेगी और इसी से आपको जानकारियाँ मिलेगी, यहीं से आपको सभी प्रक्रियाएं करनी भी हैं। कोई समस्या होने पर आप इस gmail ID पर संपर्क कर सकते हैं या इस WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच में। अब ये देखिए आपकी तारीखें, अगर सहायक अध्यापक पद के लिए तो 22/7/2021 से यहाँ पर आवेदन प्रारंभ होंगे और अंतिम तिथि है 28/7/2021। प्रवक्ता के लिए 29/7/2021 से 4/8/2021 तक यहाँ पर आवेदन लिए जाएंगे, ठीक है। और इसे आपको अंतिम रूप से सबमिट करना है, इस और किसी माध्यम से ये स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसी के जो पश्चात है वो नियुक्ति पत्र निर्गत करने की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। अब जो जानकारी चाहते हैं, इस ऑफिशियल नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हैं, तुरंत यहाँ पर विजिट करें www. यहाँ पर देखेंगे SECEDU ऑनलाइन, फिर ठीक है यहाँ पर देखेंगे posting.up.gov.in, इस पर आप जा सकते हैं। विनय कुमार पांडे जी, शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश के माध्यम से इस विज्ञप्ति को जारी किया गया है। तो समाचार पत्रों में भी देख सकते हैं, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।